बैंक एक्स में तीन नकाब चोर घुस आते हैं। उनमें से एक गार्ड को मार के बेहोश कर देता है और उसके बाद सीधा कैश काउंटर पे चला जाता है। चलो जल्दी जल्दी सब कैश निकालो। दूसरा सबको हाथ ऊपर करने बोलता है और बंदूक लेके खड़ा हो जाता है। और तीसरा सीधा मैनेजर के केबिन में जाता है। तभी अंदर से दो गोलियां चलने की आवाज आती है। तीसरा चोर बाहर आता है और बाकी चोरों से कहता है, भागो यहाँ से, भागो, मैनेजर मर गया है, भागो यहाँ से। और तीनों चोर वहां से भाग जाते हैं। डिटेक्टिव मेहुल पास में ही था तो तुरंत बैंक में पहुंच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को बताता है कि तीन चोर अंदर आए और मुझे मार के बेहोश कर दिया। फिर एक बैंक का वर्कर आगे आता है और मेहुल को और डिटेल्स बताता है। वो बताता है कि दो चोर यहीं बाहर रुक गए थे और एक चोर मैनेजर के केबिन में घुस गया था। फिर वहां से दो गोलियां चलने की आवाज आई और फिर तीनों चोर भाग गए। मेहुल अंदर जाके देखता है तो मैनेजर की डेथ हो जाती है और लॉकर खुला रहता है और सारे पैसे गायब होते हैं। मेहुल मैनेजर के पास जाके देखता है तो मैनेजर को एक गोली लगी होती है। बाहर मुझे बताया कि दो गोली चलने की आवाज आई, लेकिन मैनेजर को तो एक ही गोली लगी हुई है। फिर मेहुल यहाँ वहाँ देखता है तो उसे दीवार पे दो गोलियों के निशान दिखते हैं, लेकिन इन निशानों में कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, क्या आप सोच सकते हैं? दीवार पे जो गोलियों के निशान है वो अलग अलग साइज के हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब हो सकता है अंदर दो लोग हो। मेहुल देखता है कि केबिन में आने के दो रास्ते हैं, तो हो सकता है चोर एक रास्ते से आया हो और वो दूसरा वाला आदमी दूसरे रास्ते से। तभी गार्ड अंदर आता है और मेहुल को तीनों चोरों के बारे में क्लू देता है। क्या आप चोरों को वापस देख के बता सकते हैं क्या क्लू होगा? गार्ड बताता है कि उसमें से एक चोर ने जोकर फेस लगाया हुआ था और उसमें एक स्टिकर लटक रहा था जिसपे लिखा था जेके कॉस्ट्यूम्स। मेहुल तुरंत बैंक को सील कर देता है। अब ना किसी को बैंक से बाहर जाने की परमिशन थी, ना किसी को अंदर आने की। मेहुल तुरंत जेके कॉस्ट्यूम्स पहुंच जाता है। वहां के ओनर से उस जोकर फेस के बारे में पूछता है तो ओनर बताता है कि हाँ, एक आदमी कल जोकर फेस लेके गया था और वो अपना वॉलेट भी यहीं भूल गया है। मेहुल वॉलेट खोल के देखता है तो उसमें उसे एक रिसिप्ट और थोड़ा कैश मिलता है। क्या आप रिसिप्ट को देख के बता सकते हैं इससे मेहुल को और क्या क्लू मिल सकते हैं? रिसिप्ट एक कैफे की है, शायद मेहुल को कैफे से उस आदमी के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेहुल तुरंत उस कैफे में पहुंच जाता है और उस रिसिप्ट को दिखा के पूछता है, क्या पता चल सकता है ये रिसिप्ट किसके नाम की है? तो ओनर देखते से बोलता है, हाँ ये तो संदीप सर की है, स्पेशल एक्स्ट्रा शुगर कॉफी, वही पीते हैं, वो अभी अभी आए हैं, उस टेबल पे बैठे हुए हैं। तभी संदीप का ध्यान मेहुल पे जाता है। वो देख के डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेहुल उसे पकड़ लेता है। संदीप मेहुल को बताता है कि बैंक लूटने वो तीन लोग गए थे, लेकिन उन्होंने बैंक नहीं लूटा और बिना पैसे लिए ही भाग गए। किसी ने मैनेजर को गोली मार दी थी इसलिए वो घबरा गए थे। तो मेहुल कहता है, पर तुम में से ही किसी ने मैनेजर को गोली मारी है ना? नहीं नहीं, हमने नहीं मारी है। फिर संदीप बताता है कि अंदर जाके उसने मैनेजर को बंदूक दिखा के डराने की कोशिश की और लॉकर की चाबी मांगी, लेकिन लॉकर तो पहले से खुला था और पैसे भी गायब थे। मैंने मैनेजर से पैसे के बारे में पूछा और डराने के लिए एक गोली दीवार पे चला दी। तभी मुझे एक और गोली की आवाज आई और वो मैनेजर को लगी और वो मर गया। मैं घबरा गया और वहाँ से भाग निकला। मैंने खून नहीं किया है और चोरी भी नहीं की है। इंटरेस्टिंग, मतलब तुम जब अंदर गए तो लॉकर पहले से खुला हुआ था और पैसे गायब थे और मैनेजर भी अंदर था, तो उसने शोर क्यों नहीं मचाया और गार्ड को क्यों नहीं बुलाया? इंटरेस्टिंग। मेहुल वापस बैंक जाता है और लॉकर की चाबी पे फिंगरप्रिंट देखता है तो वो मैनेजर के ही रहते हैं। मतलब पैसे मैनेजर ने ही निकाल के दूसरे आदमी को दिए हैं। लेकिन अगर दूसरा आदमी चोरी के लिए आया था तो मैनेजर ने शोर क्यों नहीं मचाया? मेहुल पूरी स्टोरी समझ जाता है अंदर क्या हुआ। अभी आप पॉज कीजिए और सोचिए अंदर क्या हुआ होगा। तो चलिए अब देखते हैं अंदर क्या हुआ था। वो दूसरा आदमी इस कबट के पीछे छुपा हुआ था। जब चोर ने गोली चलाई तब इसने भी कबट के पीछे से गोली चलाई। चोर की गोली तो दीवार पे लगी, लेकिन इसकी गोली मैनेजर को लग गई जिससे वो मर गया। दूसरा आदमी अभी भी बैंक में ही है और वो बैंक का वर्कर है, क्योंकि दूसरे दरवाजे से बैंक के एम्प्लॉय लोग ही आते जाते थे।
मेहुल केबिन से बाहर आता है और बैंक के सारे कर्मचारियों को देखता है और उसे तीन लोगों पे शक जाता है। क्या आप इन तीनों को देख के बता सकते हैं तीनों में से वो दूसरा आदमी कौन हो सकता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ये आदमी मैनेजर के केबिन में था। इसके शर्ट पे देखिए वॉल का कलर लगा हुआ है और ये वॉल वही है जो मैनेजर के रूम की है और ये कलर की वॉल वो कबर्ड के पीछे वाली वॉल है। और जब चोर अंदर घुसे थे और हाथ ऊपर करने बोले थे तब ये आदमी वहाँ नहीं था। मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि मैं मैनेजर को कंधे पे गोली मारने वाला था जिसपे कोई मैनेजर पे शक ना करे। हम दोनों मिले हुए थे चोरी में लेकिन तभी चोर ने गोली चला दी और मैनेजर घबरा गया और हिल गया। उससे मेरा निशाना चूक गया और वो मर गया। तुम्हारे प्लान की वजह से मैनेजर की डेथ हो गई लेकिन चोरी का पैसा कहाँ है? सर प्लान के हिसाब से मुझे मैनेजर के कंधे पे मार के चोरी करके बैंक से भागना था और फिर पीछे वाली खिड़की से वापस आ जाना था। पैसों का बैग वहीं पीछे वाली खिड़की पे छोड़ देना था लेकिन मैनेजर मर गया तो मैं घबरा गया। मैंने पैसे यहीं से पीछे वाली खिड़की में फेंक दिए जहाँ से मैनेजर का पार्टनर पैसे उठाने वाला था। लेकिन ये मैनेजर का पार्टनर है कौन? सर मुझे नहीं पता है ये कौन है, मैनेजर ने तो मुझे बस पैसे फेंकने कहा था। मेहुल तुरंत पीछे वाली खिड़की की तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ से पैसे गायब है। मतलब वो तीसरा आदमी यहाँ से पैसे लेके भाग गया है। यहाँ तो गाड़ी के चक्कों के निशान दिख रहे हैं। मेहुल गाड़ी के निशान को फॉलो करता है तो वो उस कार तक पहुँच जाता है और उसे पकड़ लेता है। वो आदमी कार से बाहर आता है। तुम भाग क्यों रहे थे? सर मैं डर गया था। मैं पैसे लेने के लिए पीछे वाली खिड़की के पास गया था लेकिन वहाँ पैसे नहीं थे और मैनेजर की डेथ हो गई थी तो मैं घबरा गया और वहाँ से भाग गया। क्या पैसे तुम्हारे पास भी नहीं है? तो फिर पैसे किसके पास है? सर हो सकता है मैनेजर के चौथे पार्टनर के पास पैसे हो। चौथा पार्टनर? हाँ सर, मैंने मैनेजर को कई बार चौथे पार्टनर से बात करते हुए सुना है। वो बैंक का ही आदमी है। मेहुल समझ जाता है कि वो कौन है। क्या आप सोच सकते हैं वो कौन है? पूरी स्टोरी को ध्यान से समझिए, सारे क्लूज को ध्यान से देखिए, सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए कि चौथा पार्टनर कौन है जिसने पैसे उठाए हैं। मेहुल तुरंत बैंक वापस जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ लेता है। पहला, चोर आते से उसे डंडा मार के बेहोश कर दिया था तो उसका टैग पे ध्यान कैसे गया? मतलब वो नाटक कर रहा था, क्योंकि अगर वो बेहोश था तो मेहुल के आते ही वो होश में भी कैसे आ गया? मतलब चोरों के भागते से वो होश में आ गया। तीसरा, उसके शूज में वही मिट्टी लगी है जो पीछे वाली खिड़की के पास है, मतलब वो वहाँ जाके आया है। मेहुल उसे, चोर को, मैनेजर के दोस्त को और खूनी सबको पकड़ लेता है और जेल में डाल देता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। बैंक एक्स का मैनेजर कल किडनैप हो गया था और आज बैंक एक्स में चोरी हो गई। पुलिस मैनेजर को ढूंढ नहीं पा रही थी तो डिटेक्टिव मेहुल को केस सॉल्व करने के लिए बुला लेते हैं। मेहुल को किसी का कॉल आता है और वो उसे बैंक मैनेजर का लोकेशन बता देता है। मेहुल लोकेशन पे पहुंचता है तो मैनेजर रस्सी से बंधा हुआ होता है। वो मेहुल को बताता है कि कल किडनैपर्स ने मुझे यहाँ बंद कर दिया, मुझसे बैंक के लॉकर्स के कोड पूछे और मुझे यहीं छोड़ के भाग गए। जल्दी से मेरी रस्सी खोलो। क्या मैनेजर सच बोल रहा है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइए। मैनेजर झूठ बोल रहा है। मैनेजर के बाजू में एक बनाना रखा हुआ है। बनाना कवर निकाल के खाया जा रहा है। अगर इसके हाथ बंधे हुए हैं, तो ये कैसे खा रहा है? और अगर ये कल से रखा हुआ है तो अभी तक खराब हो जाना चाहिए था। मतलब मैनेजर झूठ बोल रहा है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल टेररिस्ट के पास फंस जाता है। वो लोग उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। रूम से बाहर निकलने के लिए मेहुल को तीन दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे टेररिस्ट पहरा दे रहा है। अगर मेहुल ने यहाँ से जाने की कोशिश की तो वो उसे गोलियों से भून देगा। दूसरे दरवाजे के पीछे जहरीली गैसेस है, वहाँ जाते ही मेहुल मर जाएगा। और तीसरे दरवाजे के पीछे जंगली डॉग है जो सालों से भूखा है। मेहुल के अंदर जाते ही वो उसे कच्चा चबा जाएगा। तो सोचिए और मुझे बताइए मेहुल को कौन सा दरवाजा चुनना चाहिए। आपका आंसर कमेंट कीजिए। Oh,
चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेहुल तीसरा डोर चुनेगा। अगर डॉग सालों से भूखा है तो अब तक तो मर गया होगा, तो मेहुल के लिए ये रास्ता सेफ रहेगा। इतनी मस्त पहेलियों के लिए और मेहुल के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।